हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एन एजुकेशन अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल तो दोस्तों आज का जो पहला टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन लो सो so, एनर्जी कंजर्वेशन लो क्या है एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट सिंपली कन्वर्टेड इन वन फॉर्म इन अनदर फॉर्म ये उसका लो है अभी वो लो हमें क्या बताता है वो बताता है कि भाई एनर्जी को आप कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो आप सिंपली उसको एक फॉर्म में से अनुदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो राइट right? अभी हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि थर्मल पावर स्टेशन इन थर्मल पावर स्टेशन अगर आप उसका एनर्जी डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से फॉर्म में एनर्जी होती है दैट इज केमिकल एनर्जी देन आफ्टर हीट एनर्जी देन मिकैनिकल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी राइट सो देट इज़ द एनर्जी डायाग्राम ऑफ थर्मल पावर स्टेशन सो उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि हम कभी भी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं हम सिंपली उसको एक फॉर्म से एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरा है इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंशन है वो एटीन सेंचुरी के अंदर हुआ था राइट right? और उसका जो इन्वेंशन किसने किया था सो बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने उसका इन्वेंशन एटीन सेंचुरी के अंदर किया था उसके बाद का हम टॉपिक देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन सो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल पॉजिटिव है कौन सा पार्टिकल नेगेटिव है एंड कौन सा पार्टिकल अनचार्ज है वो हम उसके अंदर पता करते हैं नाउ प्रोटॉन। प्रोटोन कौन सा पार्टिकल है दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल राइट ये मैंने आपको इसलिए बताया सबसे पहले क्योंकि उसके बाद का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑन एटम सो अगर हमें स्ट्रक्चर ऑफ ऑन एटम देखना है तो उससे पहले आपको ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रोटोन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है न्यूट्रॉन जो है वो अन पार्टिकल है एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द मैटर इज नोन एज एटम इट कंटेन्स थ्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन नो चार्ज उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है राइट right? Now, next is the electron revolve in the field orbit around the nucleus. The orbits are denoted by principal quantum number of k, l, m, and n shells. यानी जो भी shells है उसको हमें नाम दिया है k, l, m, n. उसको हमने नाम दिया हुआ क्या है k, l, m, and n. The each orbit represents the energy level. जो भी ऑर्बिट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है वो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है राइट यहाँ पे मैंने टेबल दिखाया हुआ है उस टेबल में आप देखोगे तो उसके अंदर के एल एम एन शेल दिया हुआ है अभी उसके अंदर कितने शेल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो किस पे डिपेंड है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन टू एन स्क्वेयर यानी फर्स्ट शेल है तो उसके अंदर आपको एन की जगह पे क्या लिखना है वन सो टू वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू यानी जो पहली शेल है के उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं राइट दूसरा शेल है एल सो so जो एल शेल है उसके अंदर एन की जगह पे आपको क्या लिखना है दूसरा शेल है तो दो सो टू टू स्क्वायर एट वैसे ही एम एन एन राइट अभी उसका एक प्रोटोकॉल है कि जब तक के शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आपके फुलफिल नहीं होते हैं तब तब आप दूसरे शेल के अंदर मूव नहीं हो सकते हैं राइट right? यानी के सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं दो एल शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एट एम शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एटीन वैसे ही एन शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं थर्टी टू आप टेबल के अंदर देख सकते हो राइट सो आप जब तक आपकी जो शेल है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके जितने हैं उतने आपके फुलफिल हो जाए तभी आप तीसरे या फिर दूसरे शेल के अंदर मूव हो सकते हो राइट यानी पहला शेल के अंदर दो आपके फुलफिल हो गए दूसरे शेल के अंदर एट आपके फुलफिल हो गए अभी तीसरे शेल के अंदर आप कभी कभी जा सकते हो जब आपके एल शेल के अंदर एट इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए हो राइट उसके अलावा आप कभी भी पहले पे से चौथे या फिर पहले पैसे तीसरे शेल के अंदर मूव नहीं हो सकते हैं ये उसका प्रोटोकॉल है और इसको आप बोलोगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम उसके अंदर हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को समझने के लिए हमें तीन चीजें मालूम होनी चाहिए फर्स्ट इज शेल्स सेकंड इज शब सेल्स एंड थर्ड इज एलिमेंट एटोमिक नंबर अभी एलिमेंट एटोमिक नंबर क्या है जिस एलिमेंट को आप सॉल्व करोगे एग्जाम्पल के अंदर तो उसका एटोमिक नंबर क्या है वो आपको पता होना चाहिए राइट अभी पहला हम देखते हैं शेल्स सो शेल्स को समझने के लिए उसका सब एटोमिक पार्टिकल हमें पता होना चाहिए सब एटोमिक पार्टिकल मीन्स वॉट इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन उसको आप क्या बोलोगे सब एटोमिक पार्टिकल्स अभी आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कौन सा है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन दैट इज़ न्यूट्रल उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है एटम का फॉर्मेशन होता है किसका फॉर्मेशन होता है एटम का फॉर्मेशन होता है अभी नेक्स्ट हम नीचे देखते हैं ये फिगर ये आपको फिगर देख रही होगी तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये जो येल्लो से हम मैंने आपको दिखाया हुआ है ये न्यूक्लियस है तो ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन सा पार्टिकल्स होगा होगा प्रोटोन दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन दैट इज़ नो चार्ज उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर हो गए और उसके आजू बाजू क्या है ये शेल्स है और उस शेल्स के अंदर क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा जो कैसा पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है राइट right? अभी इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसके नियम हमें मालूम होने चाहिए सो so, पहले हम नियम देख लेते हैं उसका जो प्रोटोकॉल है वो सो so, ये जितने भी सेल्स आपको दिखाए हुए हैं यहाँ पे तो वो सभी सेल्स के अंदर जो एनर्जी है वो हमेशा कैसी होगी फिक्स्ड होगी उसको आप वेरी नहीं कर सकते हो ये याद रखना है आपको यानी ये पहला सेल है ये दूसरा है ये तीसरा है तो ये जितने भी सेल है उसके अंदर जो एनर्जी है वो हमेशा कैसी रहेगी फिक्स्ड रहेगी उसको आप वेरी नहीं कर सकते हो नंबर वन नंबर टू ये जो सेल्स है तो शेल्स और न्यूक्लियस यानी ये जो शेल्स है वो न्यूक्लियस से जितना नज़दीक होगा उतना उसका एनर्जी लेवल कम होगा तो दोस्तों ये जो शेल है वो जितना न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उतना उसका एनर्जी लेवल कम होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी राइट right? और जितना आपका ये शेल्स है वो न्यूक्लियस से दूर होगा उतना आपका एनर्जी बढ़ेगा यानी आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा वो हम आगे देखते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको ये नियम ध्यान में रख कर चलना है राइट अभी हम आगे देखते हैं कि भाई शेल्स आर द एनर्जी लेवल एंड विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है राइट अभी ये पहला शेल है ये दूसरा है ये तीसरा है यानी कि नंबर ऑफ शेल्स एन सो एन इज इक्वल टू वन टू थ्री और फोर एंड सो ऑन सो अभी हम सिर्फ फोर शेल की बात करते हैं सो नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड फोर अभी फर्स्ट शेल को हम किस नाम से बुलाएंगे उसको बोलेंगे के के शेल राइट सेकंड शेल को हम किस नाम से बुलाएंगे उसको बोलेंगे एल शेल थर्ड शेल को हम किस नाम से बुलाएंगे उसको बोलेंगे एम शेल एंड फोर्थ जो शेल है उसको आप किस नाम से बुलाओगे एन शेल राइट सो के एल एम एंड एन अभी मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया आपको पता होगा कि भाई जो के एल एन एम एन एन है जो शेल्स है नंबर ऑफ शेल्स वन टू एंड थ्री एंड फोर मैंने आपको अभी बोला कि भाई जो शेल्स जो शेल है आपका वो न्यूक्लियस से जितना नज़दीक होगा उतना उसका एनर्जी कम होगा मैंने आपको अभी बताया और जितना दूर होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा वो कैसे आया अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इक्वेशन क्या है आपका टू एन स्क्वेयर इक्वेशन क्या है आपका टू एन स्क्वेयर वेयर एन इज़ योर नंबर राइट सो so, पहला शेल की बात करेंगे सो एन इज इक्वल टू वन वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन वन टू जा टू सो के शेल के अंदर कितना आएगा उसके अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सो so, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं राइट right? दूसरा तो दूसरे शेल्स की हम बात करेंगे एन इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे अभी दो सो टू स्क्वायर यानी फोर फोर टू ज़ा एट सो एल शेल के अंदर कितने आ सकते हैं एट आ सकते हैं right? राइट तीसरा एम शेल एम शेल के अंदर एन इज इक्वल टू अभी क्या आएगा तीसरा क्योंकि तीसरे सेल की बात कर रहे हैं थ्री स्क्वायर तो क्या होगा नाइन नाइन टूजा एटीन सो ये जो एम शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एटीन इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और फोर्थ अभी आपको खुद से करना है फोर्थ यानी क्या होगा एन इज इक्वल टू फोर फोर स्क्वेयर यानी क्या सिक्सटीन सिक्सटीन टूजा थर्टी टू सो एन शेल के अंदर थर्टी टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं ये जो के शेल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने अभी देखा टू तो जब तक आपका ये पहला शेल पूरा फुलफिल ना हो जाए वो पूरा भर ना जाए उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम एक ही है दो ही क्योंकि उसको आप वेरी नहीं कर सकते हो ये फिक्स है सो उसके अंदर जब तक ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते नहीं आ जाते उसके अंदर तब तक आप आगे के सेल के अंदर मूव नहीं हो सकते हैं राइट ये आपको चीज ध्यान में रख के चलनी है तो ये हो गई शेल्स की बात अभी हम बोलेंगे दूसरा सब सेल्स उसका नाम ही क्या है सब सेल्स यानी क्या शेल्स के अंदर जो आता है उसको आप बोलोगे सब सेल्स तो दोस्तों आगे हम देखते हैं दूसरा सब सेल्स सेल्स क्या है सेल्स इज द सब डिवीजन ऑफ सेल्स उसका सब डिवीजन है राइट पहले हमने ये शेल देखा राइट एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर Now वॉट इज़ वन टू थ्री फोर उसको हमने नाम दे दिया के एल एम एन एन यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा दैट इज सेल्स अभी हम बात करते हैं सब सेल्स तो सब सेल्स को समझने के लिए आपको ये ध्यान के ध्यान में रख के चलना है उसका नाम क्या दिया हुआ है एस पी डी एन एफ और उसके अंदर भी आपका जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा एस के अंदर कितने आ सकते हैं दो पी के अंदर कितने आ सकते हैं सिक्स डी के अंदर कितने आ सकते हैं टेन एफ के अंदर कितने आ सकते हैं फोर्टीन राइट अभी हमने यहाँ पे नीचे क्या दिखाया हुआ है वो आपको समझाता हूँ के यानी क्या नंबर कितना है फर्स्ट सेल फर्स्ट सेल यानी एक यानी क्या आएगा एस एल सेकेंड सेल यानी दो सो एस पी थर्ड एम एम सेल जो है वो थर्ड सेल है थर्ड यानी एस पी डी एफ वैसे ही एन फोर्थ नंबर सो एस पी डी एन एफ तो ये आपको पता चल गया होगा बेसिक ऑफ सब सेल्स उसका सब सेल्स का जो बेसिक है वो मैंने आपको यहाँ पे कंपेयर करके समझा दिया है राइट right? आगे का टॉपिक जो है वॉट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है सो कॉन्फिग्रेशन मीन्स वॉट दैट इज अ सिक्वेंस वो क्या बताता है हमें सिक्वेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक यानी क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स अभी इसका जो इक्वेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ जैसे सेल्स के अंदर इक्वेशन क्या था जो मैंने आपको अभी समझाया सेल्स के अंदर इक्वेशन क्या था टू एन स्क्वेयर वैसे ही सब सेल्स का भी एक इक्वेशन है यस yes. सो so, उसका इक्वेशन क्या है एन एल रेस टू पावर एक्स ना वॉट इज़ एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या दर्शाता है हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वॉट इज़ एल एल इज़ अ नंबर ऑफ सब सेल्स एंड वॉट इज़ एन एन इज़ अ नंबर ऑफ शेल्स वो क्या है नंबर ऑफ शेल्स आपके लिए नया क्या है इसके अंदर एन तो आपको पता ही है नंबर ऑफ़ शेल्स वो मैं आपको अभी समझाया एक्स वॉट इज़ एक्स दैट इज़ अ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं कितने नहीं आ सकते वो भी हमने अभी देखा सो so, आपके लिए ये एल ही नया है एल यानी क्या नंबर ऑफ सब सेल्स राइट अभी हम नीचे देखते हैं सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की जो सिक्वेंस है उसका जो कॉन्फिग्रेशन है वो अभी हम समझते हैं के एल एम एन एन वो मैंने अभी आपको समझाया शेल्स का नाम है नंबर इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर उसका हमने नाम डिसाइड किया था के एल एम एन एन राइट सो ये के शेल है ये एल शेल है ये एम शेल है ये एन शेल है के के अंदर कितने आ सकते हैं दो कैसे आया अकॉर्डिंग टू टू एंड स्क्वेयर इक्वेशन एल के अंदर कितने आ सकते हैं एट एम के अंदर कितने आ सकते हैं एटीन एन के अंदर कितने आ सकते हैं थर्टी टू अभी एस पी डी एफ का भी आपको याद रख के चलना है एस पी डी एफ का क्या है एस के अंदर दो पी के अंदर सिक्स डी के अंदर टेन एफ के अंदर फोर्टीन तो वैसे ही अभी हम सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में देखेंगे ये हो गई शेस की बात यहाँ तक ये जो एलो में मैंने बताया है वो शेल्स तक हमारी बात हो गई अभी सब सेल्स दो दो यानी क्या एस एस के अंदर कितने आ सकते हैं दो क्योंकि एस का तो हमने बताया अभी दो ही है एस एंड पी कितने है? क्योंकि एल एल यानी सेकंड शेल सेकंड शेल के अंदर एट एट यानी एस का दो है पी का सिक्स है अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ना ये एस पी डी एफ टू सिक्स टेन एंड फोर्टीन वैसे ही एम एम के अंदर क्या है एटीन बराबर एम शेल के अंदर कितने आ सकते हैं एटीन एटीन लेकिन एस के अंदर कितने आ सकते हैं दो पी के अंदर सिक्स डी के अंदर टेन सो टू सिक्स एंड टेन तो हो गए आपके अठारह अभी एन शेल यानी फोर्थ सेल फोर्थ सेल के अंदर थर्टी टू उसके अंदर सब सेल्स कितने आ सकते हैं तो फोर एस पी डी एन एफ एस का कितना नंबर है दो पी का सिक्स डी का टेन एफ का फोर्टीन तो ये हो गया आपका सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या हो गया दोस्तों सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी मैंने आपको समझाया शेल्स आपको मैंने समझाया सब सेल्स अभी उसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं राइट तो आपको ज़्यादा मालूम चलेगा एग्जाम्पल नंबर वन नंबर इज इलेवन उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन निकाल के चलना है राइट right? सो so, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं शेल्स के द्वारा तो शेल्स यानी क्या के एल एम क्योंकि तीन शेल में तो यह आ ही जाएगा नंबर इलेवन राइट सो पहला जो शेल है उसका कितने नंबर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एल शेल के अंदर कितने आ सकते हैं आपके अंदर तो के एट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वैसे ही एम शेल के अंदर कितने आ सकते हैं एटीन आ सकते हैं लेकिन हमारा नंबर क्या है इलेवन सो एट प्लस टू दैट इज़ टेन रिमेंबर इज़ वन सो एम के अंदर हम कितना डाल देंगे वन सो so ये हो गई शेल्स की बात एकदम ईजी है दोस्तों अभी आ गया सब सेल्स आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रख के चलना होगा सब सेल्स का जो इक्वेशन है वो क्या है एन एल रेस टू पावर एक्स मैंने आपको अभी समझाया एक बार फिर से समझा देता हूँ एन एल रेस टू पावर एक्स एक्स यानी क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एल यानी क्या नंबर ऑफ सब सेल्स एन एन यानी क्या नंबर ऑफ सेल्स राइट सो एन तो फर्स्ट सेल की बात करेंगे तो क्या आएगा वन एस स्क्वेयर राइट सेकेंड सेल की आप बात करोगे तो उसके अंदर कितना है एल के अंदर एट है एट है यानी उसमें से क्या हो जाएगा ये रहा आपका एस एन पी सो सेकेंड सेल की बात कर रहे हो आप तो क्या हो जाएगा टू एस स्क्वेयर एन टू पी पावर कितना है इसका सिक्स तो यहाँ पे देखो टू एस स्क्वायर अब्लिक टू पी रेस टू पावर सिक्स तीसरे में क्या है एकदम इजी है तीसरा सेल है तीसरा सेल यानी एम सेल एम सेल के अंदर एटीन आ सकते हैं लेकिन हमें जरूरत सिर्फ इलेवन यानी एट प्लस टू रिम्बर कितना रहा वन सो पावर क्या आ जाएगा उसका वन सो थ्री एस रेस टू वन सो ऐसे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो दोस्तों आज हमने क्या देखा पहला देखा स्ट्रक्चर ऑफ वन एटम उसके अंदर का पहला टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन उसके अंदर शेल्स क्या है वो मैंने आपको समझाया व्हाट इज सब शेल्स वो मैंने आपको समझाया एंड एलिमेंट एटॉमिक नंबर उसके अकॉर्डिंग जो हमने एग्जांपल देखा यहाँ पे तो उस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि भाई सब एटोमिक नंबर को उसको आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कैसे निकाल के चलना है और ये पूरा टॉपिक हमारा दोस्तों आज कंप्लीट होगा ऐसे ही एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं और ऐसे ही आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन को समझने से पहले ये हम थोड़ा देख लेते हैं न्यूक्लियस और प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बीच में है आप फिगर में देख सकते हो जो बीच में है वो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स दैट इज योर प्रोटोन एंड योर न्यूट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यानी कि ये जो न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू जो शेल है जो नज़दीक का शेल है न्यूक्लियस से सबसे नज़दीक में जो शैल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप बोलोगे कोर इलेक्ट्रॉन उसको आप क्या बोलोगे कोर इलेक्ट्रॉन एंड योर आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप बोलोगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट मीन्स वॉट कि जो दूर का शेल है जो न्यूक्लियस से दूर का शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको आप क्या बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दोस्तों आप जो ये फिगर देख रहे हो उसमें आप देख सकते हो कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस सेंटर में है उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर प्रोटोन होता है दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स उसके सराउंडिंग में जो है वो शेल्स है जो शेल न्यूक्लियस से पास में होगा वो स्ट्रोंग बाउंड होगा न्यूक्लियस के साथ और जो शेल न्यूक्लियस से दूर होगा वो लूजली बाउंड होगा और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप क्या बोल सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अभी हमने देखा हो उसको आप क्या बोल सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दोस्तों दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड They escape from the outermost orbit even at room temperature and exist as a free electron to dosto तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कहाँ at the room temperature के ऊपर भी वो कहाँ pe चला गया बाहर और वो क्या बन गया that is your free electron. और दोस्तों दूसरी चीज कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों जरूरी है हमारे लिए बिकॉज दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर है और इसीलिए मैंने आपको पहले क्या समझाया पूरा उसका स्ट्रक्चर व्हाट इज प्रोटोन वॉट इज न्यूट्रॉन व्हाट इज इलेक्ट्रॉन व्हाट इज़ न्यूक्लियस एंड देन आफ्टर आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन का इम्पोर्टेंस यही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर है तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ई एम एफ एंड इलेक्ट्रिक करंट सो दोस्तों एज वी नो दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मूविंग इन रेंडम डिरेक्शन तो दोस्तों आप देख सकते हो जो पहली फिगर है उसके अंदर आपको क्या पता चलता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन की डिरेक्शन है वो कौन सी डिरेक्शन है रेंडम डिरेक्शन है वो किसी भी पर्टिकुलर वन डिरेक्शन में मूव नहीं हो रहे हैं so when an external electric effort applied to this conductor then all these free electrons move along the conductor in one particular direction this direction of flow of free electrons depends on the direction of the external electric effort अप्लाई टू द कंडक्टर सो दोस्तों आप नीचे की जो फिगर आप देख सकते हो नीचे जो दी हुई है फिगर उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि उसको सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर को तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन की डिरेक्शन आप देख सकते हो वो कौन सी डिरेक्शन में पर्टिकुलर इन वन डिरेक्शन में मूव वो मूव हो रहे हैं तो जब आप कैरंट कैरिंग कंडक्टर को सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हो तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन की डिरेक्शन है वो कैसे हो गई है जो रेंडम डिरेक्शन थी उसकी जगह पर वो पर्टिकुलर इन वन डिरेक्शन के अंदर मूव हो रहे हैं दोस्तों उसकी EMF की डेफिनेशन उसके ऊपर से आप क्या बोल सकते हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन पर्टिकुलर डिरेक्शन इन कंडक्टिंग मटीरियल इज नोन एज ई एम एफ और ई एम एफ का फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स और एक ऐसा फोर्स हम देंगे कि जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डिरेक्शन के अंदर मूव होंगे कंडक्टिंग मटीरियल के अंदर तो उसको आप क्या बोलोगे ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो दोस्तों जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी डिरेक्शन हमेशा कैसी होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव बट करंट की डिरेक्शन हम कैसी एज्यूम करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव और उसको हम क्या बोलते हैं डिरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट उसको आप क्या बोलोगे डिरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टेंस सो दोस्तों जब हम ई को अप्लाई करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर इन वन डिरेक्शन के अंदर ही मूव होते हैं वो क्या है वो कुछ नहीं दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट वो इलेक्ट्रिक करंट ही है दोस्तों जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर वन डिरशन के अंदर मूव होते हैं सो एट दैट टाइम क्या होता है एट दैट टाइम वो आयन के साथ टकराते हैं सो उसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कि आयन जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो आयन जो है वो हमेशा करंट का यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन का अपोज करता है बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट तो फ्री इलेक्ट्रॉन का हमेशा कौन अपोज करता है आयन अपोज करता है सो so, जब आयन फ्री इलेक्ट्रॉन का अपोज करता है यानी कि टकराता है तो एट दैट टाइम क्या होता है काइनेटिक एनर्जी जो फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उसमें से वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है तो दोस्तों उसके ऊपर से हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस एक ऐसा मटेरियल कि जो करंट का अपोज करता है उसको आप क्या बोलोगे रेजिस्टेंस और उसका यूनिट क्या है ओम oh, एंड उसको कैसे डिफाइन करते हैं कैपिटल आर से कैसे डिफाइन करते हैं उसको कैपिटल आर से उसका इक्वेशन क्या है कैपिटल आर इज इक्वल टू रो एल बाई ओम वेर रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन ओम माइनस मीटर स्पेसिफिक स्पेसिफिक रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन ओम माइनस मीटर वेर एल एल इज इक्वल टू लेंथ लेंथ ऑफ द कंडक्टर लेंथ किस में आती है मीटर में सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन मीटर एंड ए मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर सो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट सो दोस्तों आप फिगर के अंदर देख सकते हो जो हमारा एक ऊपर का कंडक्टर है उसको हमने नाम दिया हुआ है वी वन जो नीचे का कंडक्टर है उसको हमने नाम दिया हुआ है वी टू सो दोस्तों आपको ये फिगर देख के पता चल जाएगा कि कौन से कंडक्टर का पोटेंशियल ज्यादा है सो वी वन कंडक्टर का पोटेंशियल वी टू के कंपेयर में ज्यादा है सो so, दोस्तों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसका सो पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू सो एनर्जी रिलीज बाई इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर वी सो पुट द वैल्यू ऑफ वी सो ई इज इक्वल सो इज इक्वल टू ई वन माइनस वी सो दोस्तों आप उसके ऊपर से ऐसे भी बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस को द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस उसका यूनिट क्या है उसका यूनिट वॉल्ट है बट वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है सो पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट सो दोस्तों ये पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस है सो so, दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ई एम एफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस सो दोस्तों आप फिगर के अंदर देख सकते हो उसके अंदर हमने दो प्लेट का यूज़ किया हुआ है दैट इज़ वन कॉपर प्लेट और उसको हम बोलेंगे एन ऑड एंड दूसरा जो है उसको बोलेंगे जिंक रोड एंड दैट इज कॉल्ड कैथोड सो बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्सड इन टू एच टू एस ओ फोर केमिकल सोल्यूशन आप देख सकते हो दोनों को हमने इमर्स किस में किया हुआ है एच टू एस ओ फोर केमिकल सोल्यूशन के अंदर और उसको आप क्या बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट उसको आप क्या बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल कॉजिस इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव फ्रॉम द कॉपर प्लेट उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा और उसकी वजह से क्या होगा कॉपर प्लेट के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव होके किसके ऊपर चले जाएंगे जिंक रोड के ऊपर राइट सो आप कॉपर प्लेट को क्या बोलोगे पॉजिटिव चार्ज एंड द जिंक रोड को आप क्या बोलोगे अगेंट्स द नेगेटिव चार्ज When these two electrodes P and Q are connected by a conductor, AB having resistance R ohm, then the electron starts to flow through this conductor. This is nothing but the current which flows from A to B. ड्यू टू दिस करंट द कंडक्टर गेट्स हीटेड अप सो दोस्तों आप फिगर के अंदर देख सकते हो हमने क्या किया है जो कंडक्टर जो है उसको हमने बीच में कनेक्ट किया हुआ है सो so, उसकी वजह से क्या होगा करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी फ्लो होना स्टार्ट होंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होंगे तो आफ्टर सम टाइम कंडक्टर जो है वो क्या हो जाएगा

द करंट फ्लोज फ्राम द कंडक्टर ए बी द कंडक्टर ए बी गेट्स हीटेड अप आफ्टर सम टाइम जो करंट है वो ए बी के ए बी कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कंडक्टर ए बी गर्म हो रहा है इट मीन्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सिंपली कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी किसकी वजह से ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में और किसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर ए बी में से उसकी वजह से द फोर्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी दिस इज़ नथिंग बट द एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर ए बी तो उसकी वजह से क्या हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स इन्वॉल्व है किस पे किसके ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो भी फोर्स इन्वॉल्व है उसको आप क्या बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे उसको आप क्या बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस सो किसी भी कंडक्टर ए बी के अंदर किसी भी दो पॉइंट के बीच में क्या एग्जिस्ट हो रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हो रहा है सो दोस्तों फ्रॉम अबोव इट इज क्लियर दैट क्या हमें क्लियर हुआ कि जो ई एम एफ इज द कॉज वाइज द पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट दोस्तों ये आपका कंक्लूजन हो गया कि उसके ऊपर से आप क्या बोल सकते हो ई एम एफ क्या है ई एम एफ इज द कॉज ई एम एफ क्या है ई एम एफ इज द कॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इफेक्ट है और दोस्तों जनरली द ई एम एफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर रिफर एज वोल्टेज वो भी आपको ध्यान में रखना है सो so, दोस्तों ई एम एफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस जनरली क्या है बोथ आर रिफर एज वोल्टेज वो वोल्टेज को रिफर करते हैं नेक्स्ट हमारा है दोस्तों पावर ये पावर के बारे में मैंने एक एग्जांपल खुद से बनाया हुआ है दोस्तों सो so, आपको उसके अंदर एज्यूम भी करना है और ये मैंने एक्चुअली इसलिए बनाया हुआ कि आपको पावर का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल पावर टू टाइप्स के होते हैं दैट इज़ वन मैकेनिकल पावर एंड सेकंड इलेक्ट्रिकल पावर वैसे तो पावर के काफ़ी सारे इक्वेशन है दोस्तों लेकिन मैंने जो इक्वेशन लिया हुआ है वो हम देखते हैं सो पावर इज इक्वल टू फ्लोरेट इन टू पोटेंशियल सो दोस्तों आप फिगर के अंदर देख सकते हो पहली जो फिगर है उसके अंदर आप देख सकते हो एक वाटर को हमने आ, एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया हुआ है सो वो ऊपर से नीचे आ रहा है सो वो रोटर के ऊपर बढ़ रहा है रोटर रोटेट होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा राइट और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है आप, तो, आप उसको क्या कर रहे हो सेव कर रहे हो राइट उसको विद द हेल्प ऑफ बैटरी और वॉट सेल उसके अंदर आप सेव कर रहे हो सेव करके क्या कर रहे हो जो आपका एक आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है आ, वो लोड जैसे ही आप कनेक्ट करते हो करंट फ्लो होगा वो ग्लो होगा राइट सो so, पावर का दूसरा जो हमने इक्वेशन लिया हुआ है पावर इज इक्वल टू फ्लोरेट इन टू प्रेशर नाउ फ्लोरेट वो किस क्वांटिटी के अंदर आता है हाइड्रोलिक क्वांटिटी के अंदर आता है सो so, हमने के लिए मैंने पहले ही आपको बोला एज्यूम करना है सो so, फ्लोरेट आपका है वन सो इज इक्वल टू वन एल पी एस लीटर्स पर सेकंड इंटू प्रेशर क्या है आपका थ्री हंड्रेड के पी ए किलो पासकल राइट तो उसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको थ्री हंड्रेड पर यूनिट क्या आएगा पावर का यूनिट क्या है, क्या है? वाट, सो वॉट्स सेकंड फिगर के रिगार्डिंग आपको एक इक्वेशन लेना है P इज़ इक्वल टू यानी पावर P इज इक्वल टू करंट इन टू वॉल्टेज योर करंट इज़ वन एम्पियर एंड योर वोल्टेज इज़ वन पॉइंट फाइव वॉल्ट राइट सो आप उसका मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा वन पॉइंट फाइव वॉट्स क्या मिलेगा आपको वन पॉइंट फाइव वॉट्स ये दोस्तों मैंने एक सिंपल फिगर ली हुई है अपने हिसाब से और उसके ऊपर से मैंने एक आपको इक्वेशन जो आपको शायद पता नहीं होगा इसीलिए मैंने इक्वेशन लिया है क्योंकि आपके लिए एल पी एस भी नया है के पी ए भी नया है So, ये दोनों कवर हो रहा है इसके अंदर इसीलिए मैंने एक खुद से बनाया हुआ है आई होप आपको पावर के बारे में आपको पता चल गया होगा सो so, दोस्तों मैंने रजिस्टेंस के बेसिस पे ये एग्जांपल मैंने बनाए हुए हैं so, सो पहले हम वो करेंगे फर्स्ट अ वायर ऑफ वन थाउजेंड मीटर हैज़ बीन ड्रोन फ्रॉम द वन सेंटीमीटर साइड क्यूब ऑफ कॉपर मटेरियल फाइंड द डायामीटर ऑफ द वायर सो उसके ऊपर से हम डेटा लिखेंगे एल इज़ इक्वल टू वन थाउजेंड मीटर इज इक्वल टू वन थाउजेंड इं टू टेन रेस टू माइनस थ्री एम एम ना वॉल्यूम वॉल्यूम वी इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर क्यूब सो सेंटीमीटर क्यूब है सो इज इक्वल टू वन इन टू टेन रेस टू थ्री एम एम क्यूब सो वॉल्यूम ऑफ द कॉपर मटीरियल मस्ट बी सेम बिफोर एंड आफ्टर ड्रॉइंग द वायर विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड लेंथ प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड लेंथ सो अभी हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर सो वॉल्यूम ऑफ वायर वी इज इक्वल टू ए इंटू एल सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ वी वन इंटू टेन रेज टू थ्री Is equal to a into l. l yani kya? One thousand into ten raised to three. So a is equal to zero point double zero one mm square. So what is the equation of a small a? A is equal to pi by four d square. So what is the value of a? Zero point double zero one is equal to what is the value of pi? That is three point fourteen. डिवाइड बाई फोर इन टू डी स्क्वायर सो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी डी की सो डायमीटर ऑफ वायर डी इज इक्वल टू स्मॉल डी इज इक्वल टू आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आपको मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव सेवन एम एम अट्वेल्व वॉल्ट हंड्रेड एम पी हर स्टोरेज बैटरी इज यूज टू सप्लाई अ लोड ऑफ वन ट्वेंटी वॉट कैलकुलेट फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है लोड करंट सेकंड टाइम फॉर देट द लोड कैन बी सप्लाइड एंड थर्ड टोटल चार्ज स्टोर इन बैटरी सो ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर से हम डेटा लिखेंगे वी इज इक्वल टू ट्वेल्व वॉल्ट एम पी ए हवा कैपेसिटी हंड्रेड एम पी एव वॉट इज द वैल्यू ऑफ पावर दैट इज पी पी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी वॉट सो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है लोड करंट क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है लोड करंट सो लोड करंट आई एल इज इक्वल टू उसका इक्वेशन क्या है पी डिवाइड बाई वी वॉट इज द वैल्यू ऑफ पी दैट इज पावर आपको दिया हुआ है वन ट्वेंटी राइट ये रहा पावर पी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी वॉट वॉट इज द वैल्यू ऑफ वी वी की वैल्यू भी आपको दी हुई है वी इज इक्वल टू ट्वेल्व वॉल्ट सो so, बी की जगह पे आपको लिखना है ट्वेल्व आप उसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको आप उसको कैंसिल करो ये कैंसिल हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व सो टेन एम्पियर क्या मिलेगा आपको टेन एम्पियर एम्पियर क्यों आया क्योंकि करंट है इसलिए करंट का यूनिट क्या है एम्पियर सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना है टाइम फॉर दैट द लोड कैन बी सप्लाइड सो टाइम टी इज इक्वल टू एम्पियर हवर रेटिंग ऑफ द बैटरी बैटरी का एम्पियर हवर रेटिंग डिवाइड बाई करंट करंट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको टेन क्योंकि अभी आपने फाइंड आउट की राइट सो हंड्रेड डिवाइड बाई टेन सो क्या होगा टेन हवर सी दैट इज थर्ड दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टोटल चार्ज स्टोर इन बैटरी बैटरी के अंदर टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है सो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू करंट इन टू टाइम लेकिन यहाँ पे टाइम हमें किस में लाना है इन सेकंड सो क्यू इज इक्वल टू करंट इन टू टाइम सो इज इक्वल टू टेन इंटू टेन इंटू थ्री सिक्स डबल जीरो क्योंकि हमने किस में कन्वर्ट किया है सेकंड में सो so, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा थ्री सिक्स फोर टाइम्स जीरो कुलम क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या है कुलम कैलक्यूलेट द रजिस्टिविटी ऑफ द कोपर वायर हैविंग अ लेंथ ऑफ हंड्रेड मीटर एंड रजिस्टेंस ऑफ टू हंड्रेड ओम द डाया मीटर ऑफ द वायर इज वन एम एम कितना डाया मीटर है उसका वन एम एम सो उसके ऊपर से हम डेटा लिखेंगे एल इज इक्वल टू हंड्रेड मीटर आर इज इक्वल टू टू हंड्रेड ओम स्मॉल डी इज इक्वल टू वन एम एम सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर तो उसके ऊपर से हम इक्वेशन तो है ही ए इज इक्वल टू पाई बाई फोर डी स्क्वेयर वॉट इज द वैल्यू ऑफ फाइव दैट इज थ्री पॉइंट फोर्टीन डिवाइड बाई फोर इन टू स्मॉल डी की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन एटी फाइव एम एम स्क्र आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा आपको जीरो पॉइंट सेवन एट फाइव एम एम स्क्र सो दूसरा है रजिस्टिविटी ऑफ कोपर वायर अभी उसका इक्वेशन आपको पता ही है रो इज इक्वल टू एल बाई सो रो इज इक्वल टू आर स्मॉल ए बाई एल ये किसके ऊपर से आया इक्वेशन आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए के ऊपर से लेकिन इसके अंदर हमें रो की वैल्यू नहीं मालूम है इसीलिए हमने रो को इक्वेशन के फॉर्म में लिया सो रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल सो आर की वैल्यू क्या है टू हंड्रेड इन टू ए की ज़ीरो पॉइंट सेवन एटी फाइव डिवाइड बाई एल दैट इज हंड्रेड राइट सो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा वन फिफ्टी सेवन इन टू टेन रेस टू माइनस एट अभी रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है दोस्तों ओम माइनस मीटर सो आपका फाइनल आंसर क्या मिला आपको वन फिफ्टी सेवन इन टेन रेस टू माइनस एट ओम माइनस मीटर इफ द रजिस्टिविटी ऑफ द वायर हैविंग अ लेंथ ऑफ फिफ्टी मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम स्क्र इज फिफ्टी माइक्रो ओम माइनस सेंटीमीटर दैन कैलकुलेट इट्स रजिस्टेंस हमें क्या कैलकुलेट करना है रजिस्टेंस तो उसके ऊपर से हम डेटा लिखेंगे एल इज इक्वल टू फिफ्टी मीटर ए इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव एम एम स्क्वायेयर एंड रो इज इक्वल टू फिफ्टी माइक्रो ओम माइनस सेंटीमीटर सो ये सिंपल सा एक इक्वेशन है जो हम यूज़ करेंगे R is equal to rho l पाई a. So what is the value of rho? So 50 into 10 टेन to minus 6 into 10 टू to minus 2 into what is the value of l? That is 50. What is the value of small a? That is 0.05 into 10 जीरो to minus 6. इंटू टेन रेस so, टू तो दोस्तों इसके अंदर ये आपको सिंपल लग रहा है सम लेकिन इसके अंदर आपका जो यूनिट है उसके रिगार्डिंग आपको जो ये लेना है कन्वर्टिंग नंबर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया तो ये तो सिर्फ आपको फिर उसको सॉल्व ही करना है ये इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा तो, तो आपका आंसर क्या मिलेगा इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड ओम तो आपका आंसर क्या मिलेगा आपको फाइव हंड्रेड ओम थ्री रेजिस्टेंसीज ऑफ टेन ओम ट्वेंटी ओम एंड थर्टी ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एक्रॉस टू फोर्टी सप्लाई कैलक्यूलेट फर्स्ट वॉल्टेज एकच रजिस्टर सेकंड टोटल करंट थर्ड पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टेंस एंड फोर्थ एनर्जी यूटिलाइज इन फाइव हवर्स सो ये दोस्तों ये जो आपकी सर्किट है वो सीरीज में है तीन रजिस्टेंस आपको दिया हुआ है जो सीरीज में कनेक्टेड है रजिस्टेंस आर वन की एक्रोस में वॉल्टेड ड्रॉप कितना है वी वन आर टू की एक्रोस में वॉल्टेड ड्रॉप वी टू आर थ्री की एक्रोस में वॉल्टेड ड्रॉप V3 थ्री एंड सप्लाई वोल्टेज कितना है 240. फोर्टी सो फर्स्ट आपको जो पूछा गया है आपको क्या पूछा गया है फर्स्ट वोल्टेज एक्रॉस ईच रजिस्टर सो वोल्टेज का क्या इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर सो वी की वैल्यू कितनी है V इज इक्वल टू टू फोर्टी वॉल्ट सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ टोटल R आपकी सर्किट सीरीज में है सो so, क्या आएगा R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वन आर वन की वैल्यू कितनी है टेन सो टेन प्लस आर टू की वैल्यू ट्वेंटी प्लस आर थ्री की वैल्यू थर्टी ये तीनों का आप एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा सिक्सटी ओम क्योंकि रजिस्टेंस है तो रजिस्टेंस का यूनिट ओम सेकंड आपको क्या पूछा गया है टोटल करंट सो सेकंड आई इज इक्वल टू वी बाई आर सो वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ वी दैट इज़ टू फोर्टी एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ आर सिक्सटी ओम सो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा फोर करंट है तो उसका यूनिट क्या आएगा

V1 is equal to 40 volt. Voltage across R2. So V2 is equal to IR2. So what is the value of I? That is 4. 4 into R2 k value kya hai 20. So 80 volt. Same as voltage across R3. So V3 is equal to IR3. What is the value of I? That is 4. And what is the value of R3? That is 30. So 120 volt. सो नाव यू कैन फाइंड आउट पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर आर वन आर टू एन आर थ्री सो पावर पी वन इज इक्वल टू उसका इक्वेशन क्या है पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर सो उसके उसके अंदर वन टू एंड थ्री पुट करना है सो पी वन इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इन टू आर वन सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ आई दैट इज फोर सो फोर स्क्वेर इन टू वॉट इज द वैल्यू ऑफ आर वन दैट इज टेन सो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा वन सिक्सटी वॉट पावर का यूनिट क्या है वॉट वैसा ही आपको सेकंड का उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन करना है सो पी टू इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टू सो आई स्क्वेयर की जगह पे क्या लिखना है आपको फोर स्क्वायेर इन टू आर टू की जगह ट्वेंटी क्योंकि आई की वैल्यू क्या है फोर आर टू की वैल्यू ट्वेंटी सो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा थ्री ट्वेंटी वॉट क्या आएगा थ्री ट्वेंटी वॉट

P3, सो so, what इज द वैल्यू ऑफ P1? अभी हमने फाइंड आउट की 160 plus प्लस is इज द वैल्यू ऑफ 320 plus what is प्लस value इज द वैल्यू ऑफ तीनों का आप एडिशन करोगे फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 960, 960 watt. क्या मिलेगा 960 watt. ये आपको टोटल पावर मिल गया राइट सो अभी आपको एनर्जी का इक्वेशन मालूम है एनर्जी E इज इक्वल टू पावर into time. टाइम टाइम आपको कितना दिया हुआ है 5 hour. सो पावर आपको मिल गया टोटल 960 सिक्सटी टाइम आपको पता है फाइव हवर तो इन आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपल तो आपको आंसर क्या आएगा फोर एट डबल जीरो जूल क्या आएगा पावर फोर एट डबल जीरो जूल क्लियर थ्री रजिस्टेंसिस ऑफ टेन ओम ट्वेंटी ओम एंड थर्टी ओम आर कनेक्टेड इन पैरल सो दोस्तों इसके आगे का सम ये सेम ही था लेकिन उसके अंदर क्या था सीरीज था और इसके अंदर क्या है पैरल एक्रॉस टू फोर्टी सप्लाई कैलकुलेट फर्स्ट करंट थ्रू ईच रजिस्टर उसमें क्या था वोल्टेज था सेकेंड टोटल करंट थर्ड क्या था पावर डिसिपेटेड इन ईच रोर्थ एनर्जी यूटिलाइज इन फाइव हवर्स तो दोस्तों वो जो सम था आगे का वो सीरीज के अकॉर्डिंग था ये जो है आपका पैरल के अकॉर्डिंग है मैंने वैल्यू सेम ही ली हुई है सो तो आपको ज्यादा पता चलेगा फर्स्ट करंट थ्रू इच रजिस्टर राइट उससे पहले हम ये सर्किट देख लेते हैं पैरल में है सो so, तीनों रजिस्टेंस किस में है पैरल में कनेक्टेड है आर वन की वैल्यू है टेन ओम आर टू की ट्वेंटी ओम आर थ्री की थर्टी ओम राइट और उसका आपका सप्लाई वोल्टेज कितना है टू फोर्टी वॉल्ट सो फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है करंट थ्रू ईच रजिस्टर सो आई इज इक्वल टू वी बाय आर एज पर ओम स्लो तो वही आपको इसके अंदर पुट करना है सो आई वन इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर वन सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी 240. फोर्टी वॉट इज द वैल्यू ऑफ आर वन सो so, आप उसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको ट्वेंटी फोर एम्पियर क्या मिलेगा आपको ट्वेंटी फोर एम्पियर क्योंकि करंट है वैसे ही आपको आई टू का करना है सो आई टू इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर टू सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी दैट इज टू फोर्टी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर टू ट्वेंटी सो उसका आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा ट्वेल्व एम्पियर क्योंकि करंट है इसलिए क्या मिलेगा ट्वेल्व एमपियर वैसे ही आपको आई थ्री का करना है सो आई थ्री इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर थ्री वॉट इज द वैल्यू ऑफ वी दैट इज टू फोर्टी वैल्यू ऑफ आर थ्री थर्टी सो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा एट एम्पियर क्या मिलेगा आपको एट एम्पियर सो सेकंड टोटल करंट सो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ आई वन ट्वेंटी फोर आई टू की वैल्यू क्या है ट्वेल्व आई थ्री की वैल्यू एट तीनों का एडिशन करना है तो आपको आंसर क्या मिलेगा फोर्टी फोर एम्पीयर राइट right? तीसरा पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंस राइट सो पावर का इक्वेशन क्या है पी इज इक्वल टू आई स्क्र आर तो उसकी जगह पर आपको पहले क्या लेना है वन के अकॉर्डिंग फिर टू के अकॉर्डिंग फिर थ्री के अकॉर्डिंग सो पी वन इज इक्वल टू आई वन स्क्वेयर आर वन पी वन इज इक्वल टू आई वन स्क्वेयर आर वन सो आई वन की वैल्यू क्या है ट्वेंटी फोर तो उसका स्क्वेयर करना पड़ेगा इन टू आर वन की वैल्यू क्या है टेन सो so, आप उसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा फाइव सेवन सिक्स जीरो वॉट क्या मिलेगा आपको 5760 वॉट वैसे ही P2 का सो so, P2 टू इज इक्वल टू आई टू स्क्वेयर आर टू राइट ये R2 है आपका सो so, I2 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको 12. क्योंकि I2 के आपका आंसर क्या मिला 12. सो so, 12 का स्क्वायर इन टू आर टू की वैल्यू क्या है 20 जो आपको दी गई है रजिस्टेंस R2 की सो so, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 2880 एट क्या मिलेगा आपको 2880 एट वाट P3 का वैसा ही करना है सो so, P3 थ्री इज इक्वल टू आई थ्री स्क्र आर थ्री राइट आई थ्री की जगह पे क्या लिखना होगा एट सो एट स्कू आर थ्री की जगह पे थर्टी उसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा वन नाइन टू जीरो वॉट क्या मिलेगा वन नाइन टू जीरो वॉट अभी आपको फोर्थ है जो पूछा गया है वो एनर्जी यूटिलाइज इन फाइव हवर्स राइट एनर्जी यूटिलाइज इन फाइव हवर्स सो टोटल पावर इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री जो हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट की वो पी वन की वैल्यू कितनी है फाइव सेवन सिक्स जीरो प्लस पी टू की वैल्यू टू एट एट जीरो प्लस पी थ्री की वैल्यू वन नाइन टू जीरो तीनों का आप एडिशन करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा वन जीरो फाइव सिक्स जीरो वॉट क्या मिलेगा वन जीरो फाइव सिक्स जीरो वॉट नाउ एनर्जी ई इज इक्वल टू टोटल पावर इन टू टाइम सो टोटल पावर कितना मिला है आपको थ्री इन टू टाइम कितना है फाइव सो so, आप उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा टू पॉइंटी टू पॉइंट एट किलो वॉट हवर नेक्स्ट इज कंपेरिजन बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर फर्स्ट इज कंडक्टर द मटीरियल इन विच द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लार्ज आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर द कंडक्टर्स ऑफर्स द लेस ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट सो दोस्तों एक ऐसा मटीरियल है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे ज्यादा होंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और दोस्तों आपको पता ही है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट करंट को फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन एक रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर है कौन सा पैरामीटर है एक रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर है करंट को फ्लो होने के लिए तो ये एक ऐसा मटेरियल है कि जिसके अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है ज्यादा फ्लो हो रहा है और अगर करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो रजिस्टेंस की वैल्यू कैसी हुई लो क्योंकि रजिस्टेंस क्या करता है द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाई विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट वो करंट का हमेशा क्या करता है अपोज करता है लेकिन यहां तो क्या हो रहा है करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है और अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या हुआ रजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होंगी लो होगी की वैल्यू कैसी होगी लो होगी इट मीन दे पास द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम देम वेरी इजीली द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द कंडक्टर कंटेन्स लेस देन फोर इलेक्ट्रॉन्स थर्स देर रजिस्टिविटी इज लेस तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि उसकी रजिस्टिविटी कैसी होगी कम होगी और रजिस्टिविटी कम होगी तभी आपका जो करंट है वो ज्यादा फ्लो हो पाएगा एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंडक्टर इज सीस पेपर क्लिप एल्यूमिनियम फॉल iron, steel and copper. Second, insulator. The materials in which the number of free electrons are very less are classified as insulator. The insulator offers the very high opposition to the flow of current. तो दोस्तों ये एक ऐसा material है कि जिसके अंदर रजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होंगी हाई होंगी और अगर रजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो ऑब्वियसली करंट कैसा फ्लो होगा कम फ्लो होगा या तो फिर फ्लो ही नहीं होगा राइट सो इंसुलेटर के अंदर रजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो वेरी हाई है यानी कि बहुत ज्यादा है सो so, उसका क्या मीनिंग हुआ कि करंट फ्लो नहीं होगा इट मीन्स दे डू नॉट पास द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम दैम उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को वो इजीली पास नहीं होने देगा क्योंकि उसके अंदर रजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द इंसुलेटर कंप्लीटली फील रजिस्टिविटी इज वेरी हाई सो दोस्तों मैंने आपको बताया वही है कि उसका जो ये एक ऐसा मटीरियल है कि उसके अंदर रजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी नंबर वन नंबर टू इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट करंट को फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए लेकिन इसके अंदर रजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है रजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो करंट फ्लो नहीं होगा एन एग्जाम्पल ऑफ अ इंसुलेटर इज रबर ग्लास

कि जिसके अंदर करंट इजीली पास होगा हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं और जिसके अंदर करंट का अपोज होगा हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर रजिस्टिविटी की वैल्यू कैसी है मीडियम है और रजिस्टिविटी की वैल्यू मीडियम है तो करंट भी कैसा फ्लो होगा मीडियम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सेमी कंडक्टर कंटेन फोर इलेक्ट्रॉन्स थर्स द रजिस्टिविटी इज मीडियम उसकी रजिस्टिविटी मीडियम है तो करंट भी कैसा फ़्लो होगा मीडियम एंड एग्जाम्पल ऑफ से मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ रेजिस्ट यूनिट एग्जाम्पल के अंदर ये बहुत जरूरी है सो so, हम एक बार देख लेते हैं वन ओम इक्वल्स टू टेन रेस टू जीरोम इक्वल्स टू टेन रेस टू थ्री ओम वन मेगा ओम इक्वल्स टू टेन रेस टू सिक्स ओम वन मिली ओम इक्वल्स टू टेन रेस टू माइनस थ्री ओम एंड वन माइक्रो ओम इक्वल्स टू टेन रेस टू माइनस सिक्स दोस्तों आपको ये याद रखना है कि अगर वन ओम आया तो हमें क्या लेना है वन मेगाओम आया तो हमें क्या लेना है और वन आया तो हमें क्या लेना है टेन रेस टू माइनस सिक्स ओम नेक्स्ट इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी सो दोस्तों इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस क्या है रजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है जबकि कंडक्टिविटी क्या है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है राइट right? सो so, एक बार देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन सो व्हाट इज कंडक्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल टू पास द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम देम वेरी इजीली इज नोन एज कंडक्टेंस एंड इट इज द रेसी प्रोकॉल ऑफ द रजिस्टेंट्स सो इट इज डिनोटेड बाई किसके द्वारा उसको दर्शाते हैं हम कैपिटल जी और उसका यूनिट क्या है सीमेंट्स उसका यूनिट क्या है सीमेंट्स सेकंड कंडक्टिविटी द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटीरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज कंडक्टिविटी एंड इट्स यूनिट इज सीमेंट्स पर मीटर एंड इट इज द रेसीप्रोकल ऑफ द रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी का क्या है वो रेसिप्रोकल है राइट right. तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस जो हमने पहले देखा वो एंड सेकंड इज कंडक्टिविटी नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द रजिस्टेंस एज वी नो डैट द रजिस्टेंस इक्वेशन आर इज इक्वल टू रो एल बाई एम फिजिकल क्वांटिटीज विच अफेक्ट द रजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर फर्स्ट

सो so, आप फिगर के अंदर देख सकते हो हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है उसके अंदर कॉपर पार्टिकल्स है आप देख सकते हो सो वेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज एट द सेम टाइम जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप देख सकते हो कि जो कॉपर पार्टिकल है राइट right, वो क्या होंगे वाइब्रेट होंगे और जो उसके अंदर से फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का क्या उसका फंक्शन है वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन द फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट सो दोस्तों जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अंदर से उसके अंदर ऑलरेडी हीट बढ़ी हुई है सो so, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में क्या होगी डिफिकल्टी क्रिएट होगी सो so, उसके ऊपर से आप क्या बोल सकते हो कि वैन द टेम्परेचर इज इंक्रीज एट द सेम टाइम योर रजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज वैन द टेम्परेचर इज डिक्रीज एट द सेम टाइम योर रजिस्टेंस इज ऑल्सो decrease and vice versa second length of conductor the resistance of conductor is directly proportional to its length it means that if the length of the conductor is double its resistance will also be double are proportional to l the two conductors having equal cross-sectional area and made from same conducting material but द लेंथ ऑफ वन कंडक्टर इज एल वाइल द लेंथ ऑफ अनदर कंडक्टर इज टू एल थर्स द रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग द लेंथ ऑफ टू एल इज डबल एज कंपेयर टू द कंडक्टर हैविंग द लेंथ ऑफ एल सो दोस्तों आप उसके अंदर फिगर के अंदर देख सकते हो सो so, फिगर में आपको देख के ही पता चलेगा कि जो शॉर्टल एल है यानी आपका जो एक एल है वो छोटा है या आपका जो एक कंडक्टर है वो आपका छोटा है अगर कंडक्टर छोटा है तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस कैसा होगा ऑब्वियसली छोटा होगा सो so, दूसरी फिगर में आप देख सकते हो उसके बाजू में कि उसका कंडक्टर कैसा है लॉन्ग है राइट एज कम्पेयर टू शॉर्टर एल सो लॉन्ग है तो उसकी वजह से क्या होगा जो आपका रजिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा सो सिंपल आप बोल सकते हो आर प्रपोजनल टू एल जैसे जैसे आपका कंडक्टर है वो बड़ा होगा वैसे वैसे आपका रजिस्टेंस भी बढ़ेगा जैसे जैसे आपका कंडक्टर छोटा होगा वैसे वैसे आपका रजिस्टेंस भी उससे उसके हिसाब से कम होगा बट एट द सेम टाइम आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वैसा का वैसा ही रहेगा थर्ड मटीरियल ऑफ कंडक्टर और रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट मटीरियल्स आर डिफरेंट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एटम्स आर ऑल्सो डिफरेंट सो द रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटीरियल सो दोस्तों आपका जो कंडक्टर है उसका जो मटीरियल है उसके ऊपर भी आपका रजिस्टेंस डिपेंड करता है राइट right? उसके बाद में आपको समझाऊंगा मैंने जो फिगर मैंने अपने आप से जो मैंने बनाया हुआ है एग्जाम्पल तो उसमें आप देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा सो द रजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल हैविंग इक्वल लेंथ and equal area are different the two conductors having equal cross sectional area and equal length but made different material from आप देख सकते हो फिगर के अंदर कौन से दो मटेरियल है कॉपर एंड निक्रोम सो so, दोस्तों आप फिगर के अंदर देख सकते हो जो रजिस्टिविटी है उसका यूनिट क्या है ओम मीटर एंड जो रजिस्टेंस है उसका यूनिट क्या है ओम नंबर वन नंबर टू दो डिफरेंट मटेरियल है कॉपर एंड निक्रोम जो कॉपर है उसका क्या है 1.68 पॉइंट सिक्सटी एट इंटू टेन रेस्ट टू माइनस एट ओम मीटर एंड जो निक्रोम है उसका क्या है 1.1 पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू माइनस सिक्स ओम मीटर सो दोस्तों आप उसके ऊपर से ही अंदाजा लगा सकते हो जो कॉपर है राइट right, तो उसकी रजिस्टिविटी कैसी है ज्यादा है एज कंपेयर टू निक्रोम सो हम क्या बोल सकते हैं पर विथ हायर रजिस्टिविटी विल गेव हायर रजिस्टेंस यानी जो कॉपर है उसकी रजिस्टिविटी ज्यादा है सो उसका रजिस्टेंस भी कैसा होगा ज्यादा जबकि निक्रोम है उसकी रजिस्टिविटी कैसी है कम है एस कंपेयर टू कोपर सो उसका रजिस्टेंस भी कैसा होगा कम होगा फोर्थ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर द रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रपोजनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इट्स मीन्स डैट इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज डबल इट्स रजिस्टेंस विल बी हाफ सो हम क्या बोल सकते हैं उसके ऊपर से आर प्रपोजनल टू वन बाय ए आर प्रपोजनल टू वन बाय ए सो दोस्तों आप फिगर के अंदर देख सकते हो जो मैंने बनाई हुई हो सो so, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है मैंने लिया हुआ है वो जो उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का रजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है वो यू कैन इमेजिन विथ बिगर क्रॉस सेक्शनल एरिया द मोर लैंड देर आर ऑन द रोड सो ट्राफिक जाम कैसा होगा उस एट दैट टाइम कम होगा आपका बहुत सारा लैंड है सो एट दैट टाइम आपका ट्राफिक जाम कैसा होगा कम होगा सो so, आपका रजिस्टेंस भी कम होगा रजिस्टेंस क्या होगा कम होगा सो so, आप क्या बोल सकते हो आर प्रपोजनल टू वन बाय ए क्या बोल सकते हो उसके ऊपर से आर प्रपोजनल टू वन बाई ए सो दोस्तों हमने ये चार फैक्टर देखे कि जो रजिस्टेंट से अफेक्ट करते हैं आई होप आपको पता चल गया होगा थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट दैट लाइक बटन इफ यू फाइंड दिस वीडियो टू मच हेल्पफुल एंड इफ यू आर थिंक फ्रेंड्स गेट बेनिफिट ऑफ इट दैन शेयर विद दैम एंड इफ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इट विल हेल्प मी अ लॉट